हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक हायरिंग कर रहा है फोन बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है और वेल नोन बैंक है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी हुई है, एक्सपीरियंस कितना मांगा हुआ है, स्किल्स क्या क्या मांगी हुई है, किन लोकेशंस के लिए यह हायरिंग हो रही है, रिमोट जॉब है या आपकी ये ऑन साइट जॉब है, ठीक है, और आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है। ओके, तो देखिए अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ग्रेजुएट विद 0 to 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, यानी फ्रेशर्स जो हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, दैट इज़ इट, एक्सपीरियंस 0 आपका चलेगा। ठीक है, अब बाकी की स्किल्स की क्या बात, क्या कहा इन्होंने, फ्लुएंसी इन स्पोकन एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में स्पोकन लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। ठीक है, तो रोटेशनल शिफ्ट मतलब नाइट में भी ड्यूटी हो सकती है, डे में भी ड्यूटी हो सकती है, बट ऐसा जनरली तब होता है जब आपका ये वर्क फ्रॉम होम होता है। ठीक है, बट इन्होंने ऐसा इंडिकेट नहीं कर रखा है कि ये वर्क फ्रॉम होम है या रिमोट जॉब है, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है। लेकिन ये जिस तरह से स्किल्स में बता रहे हैं, ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, ये कहीं ना कहीं आपका वर्क फ्रॉम होम इंडिकेट कर रहा है। और जो भी कंपनीज इस वक्त कस्टमर से रिलेटेड वर्क प्रोफाइल के लिए जो हायरिंग कर रही है वो जनरली वर्क फ्रॉम होम ही कर रही है। ठीक है, और आपका भी जो ये प्रोफाइल है ये कस्टमर सपोर्ट से ही रिलेटेड रहने वाला है, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपका वर्क फ्रॉम होम ही हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दे नहीं रखी है। ठीक है, तो अभी आप अप्लाई जब आप करते हो तो जो रिवर्ट में इनकी डिटेल्स आएगी, ठीक है, तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब किन लोकेशंस के लिए ये हायरिंग हो रही है, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस दे रखी है जहाँ से ये हायरिंग हो रही है, वो हो रही है गुवाहाटी, चेन्नई, इंदौर, हैदराबाद, ठाणे। ठीक है, तो इन 5 जगहों से इन्होंने कह रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट से कवर कर रहे हैं। गुवाहाटी एनी हो गया, फिर चेन्नई साउथ हो गया, फिर इंदौर हो गया आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका हैदराबाद हो गया, इधर आपका थोड़ा सा हो गया पूर्वी साइड पे हो गया थोड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर ठाणे हो गया आपका मुंबई, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स को ये कवर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये पैन इंडिया हायरिंग है, बस थोड़ा सा इन्होंने वेस्टर्न का नहीं ले रखा है, वेस्टर्न इंडिया नहीं ले रखा है और नॉर्थ इंडिया का नहीं ले रखा है। ठीक है, साउथ का ले रखा है और ईस्ट का थोड़ा सा गुवाहाटी ले रखा है। ठीक है, तो पूरी तरह से पैन इंडिया नहीं है, लेकिन तब भी काफ़ी जगहों के लिए ये हायरिंग हो रही है। और ये रिमोट जॉब है या नहीं है ये आप जब अप्लाई करेंगे तो क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर रखा है कि वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल, बिकॉज ओपन टू वर्क रोटेशनल शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट में आप काम कर सको, दिन में काम कर सको, रात में काम कर सको, इनकी नीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, हैंडलिंग एंड रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स क्यूरीज ओवर फोन, प्रोवाइडिंग कस्टमर विद रेलिवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन, क्रॉस सेलिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स ओवर द फोन। तो काफ़ी बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर्स को इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, इसके अलावा कस्टमर की जो भी क्यूरीज होती है। आप लोग को पता ही होगा कि जब बैंक वगैरह में कॉल करो, आप लोग के बहुत सारे जैसे काम होते हैं, पैसा पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ठीक है, और बहुत सी तरह की होती है, एटीएम कार्ड वगैरह से रिलेटेड होती है, फ़ोन ऑन फोन नंबर सपोज चेंज कराना है, तो बहुत सारी, जैसे आप कॉल करते हो किसी बैंक में तो जैसे कस्टमर सपोर्ट का जो वर्क रहता है वही आपका वर्क रहेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, यहाँ पे कोई आपका सेल्स का टारगेट नहीं है। ठीक है, ओके, क्रॉस सेलिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर ओवर द फोन। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है क्रॉस सेलिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स, तो वेरियस जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप कस्टमर को बताएंगे, बट ऐसा कुछ सेल्स का वर्क नहीं है जैसे कि जनरली रहता है कि टारगेट रहता है कि आप इतने लीड्स जनरेट करो,
ठीक है, और उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिले, तो एक बर्डन रहता है कि अगर लीड जनरेट नहीं हुई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरली ये कस्टमर सपोर्ट का वर्क है आपका, और कस्टमर की क्यूरीज जो है उसको आपको रिजॉल्व करनी है, और जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, बैंक के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है, एक्सपीरियंस भी इन्होंने नहीं मांगा हुआ है, सिंपल ग्रेजुएट मांगा हुआ है, और काफ़ी लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। तो ठीक है, इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।